तो ये बड़ी चवन्नी आदत है, एक बार नींद खुल जाए तो जाना ही पड़ता है। फिर यहाँ जाऊँ कहाँ? वाले भी अजीब है, लाइट आ रही है लेकिन मोमबत्तियां जला रखी है, बेकार का खर्चा। सॉरी डॉन जी, मैं आपको अपना सुंदर मुखड़ा दिखाना नहीं चाहती थी, पर वो गलती से मिस्टेक हो गई। ये उल्टे पांव क्यों चल रही हो? चुड़ैलो। मैं चुड़ैल? मैं दुबाला हूँ मधुबाला। आप चाहो तो मेरी मम्मी से पूछ लो, वो तो मैं उल्टे पांव इसलिए चल रही थी ताकि आपको मेरे सुंदर मुखड़े से परेशानी ना हो। इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? वो मैं ढूंढ रही हूँ। वो क्या? वो संडास। वो क्या होता है? आपको नहीं पता वो क्या होता है? हमारी चौल में तो 2 साल का बच्चा तक जानता है। वो होता क्या है? वही जो सब अकेले जाते हैं जेल। टॉन जी, जेल में सब थोड़ी जाते। कब्र? कब्र में तो लाइफ में एक बार जाता है, यहाँ तो रोज रोज जाना पड़ता है। वहाँ लोग सीटी भी बजाते हैं। गर्ल्स कॉलेज। टॉन जी, गुंडों के साथ रह रहे के ना आपकी सोच चवन्नी हो गई है। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। और कोडियो, तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू। और नहीं भाई, भाई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। मैं
यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने अरीना को माई समझ कर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी में इच्छा से